हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अगर आप अब्रॉड से CPL करने का प्लान कर रहे हो तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा जो शायद आपके काम आ सकता है। तो आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है चेकलिस्ट बिफोर गोइंग अब्रॉड। तो सबसे पहले आप DGCA क्लास 1 मेडिकल एंड कंप्यूटर नंबर ऑब्टेन कर लो। प्लस अब्रॉड जाने के पहले अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो DGCA एंड RTR एग्जाम भी क्लियर कर लो। एंड इसमें टेक्निकल जनरल आपको नहीं देना है बट टेक्निकल स्पेसिफिक आपको देना पड़ सकता है इन केस अगर आप जिस भी कंट्री जा रहे हो वहाँ ये एग्जाम न लिया जाता हो और आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ना हो उस केस में। बाकी RTR एग्जाम आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं ये अगेन कंट्री पर डिपेंड करता है कि वो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंडर आता है या नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको रेडी रखना है क्योंकि इसमें काफी टाइम लग सकता है एंड लाइसेंस कन्वर्जन के लिए भी ये जरूरी है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है कंट्री सिलेक्शन। तो मेक श्योर आप जिस भी कंट्री जा रहे हो वो ICAO कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स के अंडर आता हो। हालांकि इसमें करीब 193 कंट्रीज इंक्लूडेड है बट फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका यही जाना प्रिफर करते हैं। एंड आप अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो या जो भी फॉरेक्स रेट के हिसाब से चीपेस्ट लग रहा है आपको वो आप चूज कर लो अकॉर्डिंग टू योर बजट। नेक्स्ट आपने जो भी कंट्री चूज किया उसकी सिविल एविएशन वेबसाइट से CPL रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिटेल्स निकालो क्योंकि ये कंट्री वाइज वेरी करता है। तो मेक श्योर 200 आवर्स से कम ना हो जो DGCA का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। प्लस ये भी देखो कि आपको कितने सब्जेक्ट्स क्लियर करना है एंड उसमें टेक्निकल स्पेसिफिक है या नहीं, तो ये सब आप चेक कर लो। नेक्स्ट उस कंट्री का अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर अगर इंडिया में है तो अब्रॉड जाने के पहले ही आप मेडिकल ऑब्टेन कर लो, अदरवाइज आपको वहीं जाकर अपना मेडिकल करवाना होगा। नेक्स्ट आप स्टडी वीजा का रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले ही चेक कर लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं क्योंकि ये कंट्री वाइज वेरी करता है एंड कई बार वीजा मिलने में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये आप पहले से ही देख लीजिएगा। प्लस अगर आप अब्रॉड में ही जॉब करने का प्लान कर रहे हो आफ्टर CPL देन वर्क परमिट का डिटेल्स आप पहले से ही पढ़ लो क्योंकि सिर्फ स्टडी वीजा के बेस पे आप जॉब नहीं कर सकते कहीं भी। हाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो एज पर योर वीजा रूल्स एंड रेगुलेशंस बट ये कंट्री वाइज वेरी करता है तो वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट आप उस कंट्री का इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक कर लो क्योंकि कुछ कंट्रीज में ये मैंडेटरी रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। बाकी CPL में जो ELP लेवल एंडोर्समेंट होता है वो आपके फॉरेन लाइसेंस के बेस पे होता है बट अगर आपके लाइसेंस में प्रोफिशिएंसी लेवल मेंशन नहीं है तो आपको इंडिया में ELP ऑब्टेन करना होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आप पहले से रिसर्च कर लो एंड ये सभी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। देन स्टेप नंबर 3 आता है फ्लाइट स्कूल सिलेक्शन एंड एडमिशन। तो सेम जैसे इंडिया में CPL करने के लिए आपको DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करना है, उसी तरह अब्रॉड के फ्लाइंग स्कूल्स भी उस स्पेसिफिक कंट्री की सिविल एविएशन बॉडी से सर्टिफाइड रहते हैं और ये आपको खुद से चेक करना होगा उनके ऑफिशियल साइट से क्योंकि कुछ स्कूल्स अनसर्टिफाइड भी रहते हैं। नेक्स्ट आपको कौन से एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी, बोथ सिंगल इंजन और मल्टी इंजन, वो एयरक्राफ्ट DGCA रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं ये आपको चेक करना होगा, अदरवाइज आप किसी ऐसे एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करते हो जिसे DGCA रिकॉग्नाइज नहीं करता तो आपको लाइसेंस कन्वर्जन के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट फ्लाइंग स्कूल चूज करने के पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स देखने चाहिए वो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप सारे पॉइंट्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। एंड स्कूल के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है ऑफलाइन, दैट इज पर्सनली अब्रॉड जाकर खुद सब चीजें पता करना, हालांकि ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा बट अगर आप इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिसर्च के लिए थोड़ा बहुत खर्च करना इज नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी, बट अगेन ये कोई जरूरी नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। या अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव वहां पर है तो आप इजिली डिटेल्स निकाल सकते हो या कुछ कंसल्टेंसीज के थ्रू भी जा सकते हो बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड पर्सन भी रहते हैं जो सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस करके आपको एडमिशन के लिए कन्विंस करते हैं। सेकेंड वे है ऑनलाइन रिसर्च। तो जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हो या जो भी स्कूल्स आपने शॉर्टलिस्ट किया है उनको डायरेक्टली ईमेल या कॉल करो, देन वो आपको कोर्स एंड फी स्ट्रक्चर का कंप्लीट कोटेशन भेजेंगे। एंड इसमें कुछ स्कूल्स आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी डिमांड कर सकते हैं तो वो आपको देखना होगा। एंड जो ब्रोशर आपको भेजा जाएगा उसमें आप चेक कर सकते हो क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं। इसके साथ स्कूल के बारे में थोड़ा जानने के लिए आप गूगल रिव्यू भी देख सकते हो, हालांकि उस पे कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता बट आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा। प्लस आजकल सभी
फ्लाइंग स्कूल्स का सोशल मीडिया अकाउंट भी रहता है लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो उसमें उनके स्टूडेंट्स भी जुड़े रहते हैं जिन्हें आप कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स निकाल सकते हो। बाकी एडमिशन का प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, लेकिन ऐसे स्कूल में कभी एडमिशन मत लीजिए जो टोटल फी वन टाइम में डिमांड करे, क्योंकि कुछ कंट्रीज में इस तरह का स्कैम भी होता है। बाकी ट्रेनिंग के बाद आपको इंडिया में फ्लाई करना है तो लाइसेंस कन्वर्ट करना होगा आपको डीजी से रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। देन इंडियन सीपीएल ऑब्टेन करने के बाद बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो रिफर कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।